हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाहिद सैयद। वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे इजी एंड सिंपल चिकन वॉन्टन्स। बहुत यमी बनकर तैयार होता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। चिकन स्टार्टर रेसिपी है और बहुत टेस्टी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इसको बनाया है। यहाँ पर एक कप मैंने मैदा लिया है, 3/4 कप मिन्स चिकन लिया है। आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में भी उसको मिन्स कर सकते हैं। और एक मैंने अंडा लिया है, हरा धनिया चॉप कर लिया है, एक हरी मिर्च को चॉप किया है और एक छोटा सा प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया है। पाउडर स्पाइसेस में सॉल्ट एज पर आज टेस्ट, 1/4 टीस्पून पेपर लिया है और 1/4 टीस्पून भरकर मैंने रेड चिली का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने आटा लगाने के लिए थोड़ा सा ऑयल यूज़ किया है और सॉल्ट हम ऐड करेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है, प्लीज़ उसको क्लिक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से सिंपल क्विक चिकन वॉन्टन्स। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और अंडे को तोड़ लेंगे हम। हाफ हम यूज़ करेंगे फ्लावर में और हाफ जाएगा चिकन मिन्स के अंदर फिलिंग में। तो इसको बीट कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये रेडी है, इसको हम साइड में रख देते हैं। तो अब हम चिकन की फिलिंग को तैयार कर लेते हैं। फिलिंग को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चिकन मिन्स लिया था, वो ऐड कर देंगे बाउल में। पेपर, रेड चिली और सॉल्ट लिया था, हरा धनिया, प्याज, आप चाहें तो स्प्रिंग ऑनियन ग्रीन्स और वाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं चॉप करके, बहुत फ्लेवरफुल बनकर तैयार होता है। मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने ऑनियंस यूज़ किया है और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर दी है मैंने। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून ऐड किया है मैंने। और जो एग हमने बीट कर लिया था उसमें से हाफ क्वांटिटी हम ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए चिकन वॉन्टन्स का मिक्सचर जो है ये रेडी है और अब हमने इसको साइड में रख देना है। तब तक हम आटा लगा लेंगे। तो आटे को लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और इसमें हम ये आटा ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो हेल्दी ऑप्शंस के लिए व्हीट फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने अंडा आधा ऐड किया था वो आधा हम इसमें ऐड कर देंगे बचा हुआ। ऑयल ऐड कर देंगे, सॉल्ट ऐड कर देंगे एज पर एज टेस्ट। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर ज़रूरत लगे तो थोड़ा थोड़ा सा पानी हमने ऐड कर देना है और एक स्टिफ सा डो हम इसका तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है तो थोड़ा सा मैं ऐड कर दूंगी और इसको हम बाइंड कर लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ देखिए ये आटा अच्छी तरह से लगकर सेट हो गया है। अब हमने आटे को और फिलिंग को साइड में रख देना है 10 मिनट्स के लिए, 10 टू 15 मिनट्स तक, ताकि ये अच्छी तरह से आटा भी लगकर सेट हो जाए और चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो जाए। उसके बाद हम वॉन्टन्स बना लेंगे। तो यहाँ देखिए ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट हो गए हैं और आटा अच्छी तरह से लगकर सेट हो गया है। थोड़ा सा हम इसको नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक क्लीन सर्फेस पर मैं इसको नीट कर रही हूँ, अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ देखिए इसको अच्छी तरह से मैंने नीट कर लिया है और सॉफ्ट सा डो इसका तैयार हो गया है और ये डो काफ़ी हद तक स्टिफ भी है। ये देखिए अगर आपको क्रिस्पी वॉन्टन्स चाहिए तो थोड़ा सा स्टिफ ही डो आपने लगाना है उसका। और थोड़ा थोड़ा करके अब हम इसमें से पोर्शन स्कूप आउट कर लेंगे और इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये रेडी कर लिया है और अब हम इस पर वर्क कर लेंगे। तो यहाँ पर एक डो बॉल मैंने इस तरह से ले लिया है, इसको अच्छी तरह से हम टक इन कर लेंगे और इसको हम बेल लेंगे और इसको हम पतला बेलेंगे बिकॉज हमने इसमें अंडा ऐड किया है। जैसे ये ऑयल में जाएगा तो थोड़ा सा ये फूलेगा, तो जितना हो सके थिन बेलेंगे। तो ये देखिए थिन अच्छी तरह से बेल लिया है। एक छोटा सा पोर्शन मिक्सचर का हम रखेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर स्टफ नहीं करना है हमने इसको, बिकॉज वॉन्टन शीट्स जो होती हैं ऊपर की जो हमने बनाई है वो काफ़ी हद तक उसको शेप करने में दिक्कत आ सकती है आपको। एग वॉश या वाटर का वॉश दे दें इस तरह से और इसको फिर इस तरह से हमने बंद कर लेना है। पहले अच्छी तरह से सील कर लें इसको, उसके बाद इस तरह से लेकर जो यहाँ का पोर्शन है बैक पोर्शन को इस तरह से गोल कर लें, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर ऊपर इस तरह से इसको स्टिक कर लें। तो ये देखिए ये वॉन्टन्स जो है हमारा इस तरह से रेडी है। तो इसी तरह से सारे बनाते जाएंगे और एक प्लेट पे रखते जाएंगे। एक और बना लेते हैं।
यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे वॉन्टन्स को अच्छी तरह से शेप कर लिया है। कुछ कुछ में मेरे से फिलिंग ज़्यादा हो गई थी, इसी वजह से ये अच्छी तरह से शेप नहीं हो पाया। तो अंदाजे से थोड़ी सी फिलिंग भरे, इसका जो ऊपर का पोर्शन होता है ये अच्छी तरह से इस तरह से बाहर आ जाना चाहिए। तो ऑयल मैंने यहाँ पर ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था लो फ्लेम पर ही, और ऑयल जो है ये मीडियम हॉट है, बहुत हाई फ्लेम पे हम इसको ऐड नहीं करेंगे। और जो वॉन्टन्स हमने बनाए हैं वो हम ऐड करते जाएंगे इसमें। तो यहाँ देखिए ये अच्छी तरह से सिक रहा है, लो फ्लेम पर ही मैंने इसको छोड़ दिया था। इसको लो फ्लेम पर ही हमने क्रिस्प कर लेना है। धीरे धीरे इसको हम पलट लेंगे इस तरह से, और दूसरी तरफ से भी हम इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, रेडी है चिकन वॉन्टन्स। ये देखिए, बिकॉज हमने इसमें अंडा यूज किया था इसीलिए ऑयल में थोड़ा सा बबल्स आप देख सकते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चिकन वॉन्टन्स जो है ये बनकर बिल्कुल तैयार है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है चिकन वॉन्टन्स, बहुत यम्मी बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी स्टाइल रेसिपी है और बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और मुझे फीडबैक लिख के ज़रूर बताइए रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर रेसिपीज़ आ रही हैं पसंद तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।